तो गाइस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज मैं आप लोगों को 370 प्लस HD बैकग्राउंड प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसको आप अपनी फोटो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कैसे होंगे, किस टाइप से आप एडिट कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको वीडियो में आगे जाके दिखाने वाला हूँ। और जितने भी मैं आप लोगों को बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे के सारे HD क्वालिटी में है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ KB की फाइल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफी बड़े साइज की फाइल है, आप इसको बड़े से बड़ा प्रिंट आउट कर सकते हैं। इवन अगर आप बैनर बना रहे हो तो बैनर के बैकग्राउंड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं नई नई चीज दे सकूं। पहले भी मैंने अपने चैनल पे काफी सारे बैकग्राउंड्स लोड किए हुए हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हुई है और अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड प्रोवाइड की है। तो आज भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूं, 370 प्लस। अगर आपका नया स्टूडियो है, अगर आप बैकग्राउंड ढूंढ रहे थे तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी इशू था वो आज शॉर्ट आउट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आप लोगों को काफी सारी इन्फॉर्मेशन देके जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो बिल्कुल सही टाइम तक पहुंच जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपको किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर अगर बाय करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में, तो उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हम लोगों ने एक नया काम चालू किया है प्रमोशन से रिलेटेड। अगर आपके पास आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसको प्रमोट कराना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर ब्लॉगर है, आपकी वेबसाइट है, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन है, या फिर मोबाइल का कोई ऐप है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है, किसी भी कैटेगरी के लिए आपको प्रमोशन अगर करवाना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप का नंबर आपको दिया जा रहा है। आपका प्रोडक्ट को सही ढंग से एक प्रमोट किया जाएगा, सही इन्फॉर्मेशन देके प्रमोट किया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने चैनल को या फिर अपने प्रोडक्ट को या फिर ऐप को या फिर एप्लीकेशन को या फिर सॉफ्टवेयर को या फिर ब्लॉगर की वेबसाइट हो आपकी, या फिर किसी भी कैटेगरी की आपकी वेबसाइट है, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका कोई भी कंटेंट है, अगर आपको प्रमोशन कराना है, प्रमोशन के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटीरोय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सेंटीरोय। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को 370 प्लस न्यू बैकग्राउंड प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि HD क्वालिटी में होंगे। तो यहां पे मैंने रखी हुई है फाइल, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो यहां पे आपको कुछ विंडार की फाइल दिखाई दे रही होगी और आपको एक फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल तो आप भूल जाओगे आपको यहां पे एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपके पास यहां पे ये 5 विंडार की फाइलें हैं। तो ये जो 5 फाइलें हैं, आपको मेरी वेबसाइट के अंदर ये 5 लिंक मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 और Part 5। ये सारी फाइलें आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपको एक ही फोल्डर में रखनी है और उसके बाद आपको सिर्फ पहले वाले फोल्डर को ही एक्सटेंड करना है। जैसे आप पहले वाले फोल्डर को एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड फोल्डर भी एक्सटेंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, फाइव भी हो जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई एक फाइल मिसिंग कर दी तो आपकी जो फाइल है वो एक्सटेंड नहीं होगी, या तो फिर आपने इनमें से एक ही फाइल डाउनलोड करी तब भी आपकी फाइल एक्सटेंड नहीं होगी और आपको कंप्लीट डाटा नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट डाटा के लिए पांचों लिंक को आप डाउनलोड करोगे, Part 1 से लेकर Part 5 तक, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड करोगे। तो ये जो मेरी फाइल है, इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा साइज है, तो इसलिए मैंने आपको इसको बांट के दिया है। ये आपकी जितनी भी फाइलें आपको दिखाई दे रही है, 1 GB की फाइल है, ये 4 फाइल है, और लास्ट वाली जो फाइल है आपकी वो 699 MB की फाइल है। तो ये टोटल फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप फिर इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद जो आपका फोल्डर आएगा वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, यही फोल्डर आपके पास आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करने का तरीका बता देता हूँ। पहली वाली फाइल पर जिस पर लिखा होगा Part 1, उसको डबल क्लिक करेंगे आप। डबल क्लिक करने के बाद ये वाला पैनल आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है Extract 2। इस Extract 2 के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पैनल आ जाएगा, इस पैनल पर लिखा हुआ ओके, तो ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी फाइल अभी एक्सटेंड हो रही है। तो मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ है, अपना टाइम बच जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सटेंड किया हुआ वो फाइल है इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपका फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा, फिर फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल 18 फोल्डर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं आपको 18 टाइप के अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो एक ही फोल्डर को मैं खोल के आपको दिखाने वाला हूँ, आप इसको देख लो एक बारी। तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट है जिसकी फोल्डर नंबर 10 है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिखाई देंगे जो कि लाइटिंग इफेक्ट और बेस के साथ है। आप इसके अंदर अपने किसी भी पिक्चर को स्टैंडिंग पोजीशन पे यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा आपको दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट में चलते हैं, आपको कुछ लेदर के बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। ये जो लेदर के बैकग्राउंड है ये भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड है और बहुत अच्छी क्वालिटी के है। मैं आपको एक आधा ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट लाइक मैं ये पर्पल वाला ओपन कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपकी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आ रखी है। आप इसको अपने जहाँ पे भी आपको लेदर टाइप का बैकग्राउंड यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इवन आपके सारे टाइप के यहाँ पे कलर दिए हुए हैं, जो भी आपको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले फाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बैलून और केक से रिलेटेड आपको बैकग्राउंड मिल जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे की फोटो एडिटिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे किसी अल्डर की भी आप फोटो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, केक कटिंग में अगर आपको यूज़ करना है, बैकग्राउंड में यूज़ करना है बैलून वगैरह,
तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फोल्डर में आपको दिखाई देगा फ्लावर से रिलेटेड है, यहाँ पे भी मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपके इस टाइप के बैकग्राउंड है, ये भी आप बैकग्राउंड अपने डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जितने भी ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारी की सारी अच्छी क्वालिटी के बैकग्राउंड है। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो फिर फोल्डर है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट फोल्डर ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैलून्स और आर्ट्स के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही प्यारा डिजाइन है। पर्सनली ये वाले जो डिजाइन है मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक मैंने ये वाले बैकग्राउंड पे कोई भी फोटो एड नहीं करी है, तो मैं आपको एक फोटो एड करके दिखाऊंगा इसी बैकग्राउंड। पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं अलग से, और जिसके यहाँ पे फोल्डर में मैंने 5 खोल दिया है, तो यहाँ पे आपको स्विंग वाले बैकग्राउंड दिखाई देंगे, जिसको झूला बोलते हैं हम लोग। ये झूले वाले हैं, सोवर लुक में है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको किसी फाइल का एक साइज़ दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्या साइज़ है। ये पहली फाइल में मैंने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 14.5 MB की फाइल है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो फाइलों का साइज है वो बहुत अच्छा साइज है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ स्विंग्स के आपको दिखाई देंगे, लेकिन डार्क कलर में है ये, यहाँ पे देख सकते हैं डार्क कलर के स्विंग्स हैं, जो कि बहुत ही प्यार आपको दिखाई देने वाले हैं। आप अपने हिसाब से इसको ज़रूर यूज़ करें, या फिर अगर आपने कोई ऐसी पोजीशन की फोटो खींची हुई है सिटिंग वाली, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ PhD बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नियोन बैकग्राउंड, ये भी आपके PhD बैकग्राउंड है। उसके बाद कुछ स्मोक वाले PhD आपको दिखाई देने वाली यहाँ पर, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैक चलते हैं, नेक्स्ट फोल्डर आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, आप इस टाइप के बैकग्राउंड भी अगर कहीं पर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के जो बैकग्राउंड होते हैं वो आप गिफ्ट रैप के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब गिफ्ट रैप अगर बना रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के बॉक्स की अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पर बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बैक चलते हैं, फिर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल का बैकग्राउंड है, वॉल के अंदर स्क्रैचेस है, येलो वॉल है ये, मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको वॉल का इफेक्ट है यहाँ पे सारा। अगर आपको फोटोशॉप चलाना अच्छा सा आता है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉइल्स है, ये भी PhD बैकग्राउंड में है, PhD और JPG दोनों है यहाँ पे। यहाँ पे आपके जो ब्लू कलर के फॉइल्स है वो है, लेकिन आप इसका भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट बैकग्राउंड पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपके कुछ फ्लावर्स वाले आ जाते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स वगैरह आपको अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको विंडोज से आउटसाइडर का जो व्यू होता है वो दिखाई देगा, तो ये बैकग्राउंड भी आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज़ कर ही लेंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मैं कुछ स्मोक के बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, जो कि आपका 5 MB से लेकर 10 MB तक, 15 MB तक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है ये फायरबॉल्स हैं, अगर आप किसी भी टाइप की अगर एडिटिंग कर रहे हैं, नाइट का सीन है, अगर आपको फायरबॉल्स दिखाने अगर, तो आप ये दिखा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। इसका एक एक साइज आपका 20-20 MB की फाइलें हैं ये। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे कुछ कवर्स हैं, ये आप इसको एज अ पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के मैंने आपको दे दिए, बेसिकली मैं आपको ये सारे फोल्डर इसलिए ओपन करके दिखा रहा हूँ, हर एक फोल्डर में आपको कुछ अलग अलग आपको बैकग्राउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस वाले फोल्डर में से 2 ही हैं जो कि यहाँ पे आ गए हैं, कोई नहीं, आप उसको हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नियोन वाले इफेक्ट्स हैं, ये भी देख सकते हो आप, तो ये अपने हिसाब से आप देख लेना। तो सारे बैकग्राउंड मैंने आपको दिखा दिए, तो गाइस यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड आपको शो कर दिया, अगर आपको सही लग रहे हैं तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मैं एडिटिंग करके दिखा देता हूँ एक आधा किसी भी पिक्चर को, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये पिक्चर ले लिया, फिर कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने एक पिक्चर को ड्रैग किया फोटोशॉप में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, मैं कोई हाफ पिक्चर को ऐड करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। वैसे यहाँ पे बेस दिखाई दे रहा है, बेस वाली अगर इमेज लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी कटिंग पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, तो कटिंग पिक्चर के लिए मैंने डबल क्लिक कर दिया, कटिंग पिक्चर को वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो जस्ट लाइक आप कुछ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल लेंथ की कोई इमेज लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो, मैं वो भी लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने एक इमेज को डबल क्लिक किया है, मेरी ये इमेज आ गई है, अब इस इमेज को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये मेरी फुल लेंथ की इमेज थी, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये थोड़ा डांस पोजीशन पे है तो इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने ये वाला बैकग्राउंड है ड्रैग किया और यहाँ पे ले जाके मैं छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ने के बाद सेट हो जाएगा इसके ऊपर। अब ये बैकग्राउंड को मैं उठा के नीचे कर देता हूँ, तो आप कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि देखो बैकग्राउंड ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बैकग्राउंड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपनी फोटो कटिंग करके रखेंगे, बस अपनी फोटो को जस्ट आप ऐड कर देंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ईजिली हो जाता है। और अगर आपको फोटो को कटिंग करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा सॉफ्टवेयर है फोटो कटिंग करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर का नाम है मैक्स कट प्रो 7.0 का वर्जन है और बहुत ही चीप प्राइस का सॉफ्टवेयर है। आप इस वाले सॉफ्टवेयर का वीडियो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन एरिया में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, अगर लेना चाहें तो आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू रियली डिड
Do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys.